हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। डायपर अगर टाइट हो तो बेबी को इरिटेबिलिटी कॉज करता है, रैशेस कॉज करता है। डायपर अगर लूज हो तो लीकेज इश्यूज आते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं सही साइज का डायपर अपने बेबी के लिए कैसे चूज करूं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। बट ये जानना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का डायपर तो ले लेते हैं, बट क्योंकि वो सही साइज नहीं पिक करते तो उन्हें रैशेस, रेड लाइन, लीकेज जैसे इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि ये डायपर ही बेकार है, विच मे नॉट नेसेसरली बी द केस। आई एम अ मॉम ऑफ टू और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद डायपर्स बहुत अच्छा रहा है। मैंने अपने दोनों ही बच्चों के साथ कभी रैशेस, डिस्कम्फर्ट, लीकेज, रेड लाइन ये सारे इश्यूज नहीं देखे। इसलिए पर्सनली मैं सब पेरेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि वो पैम्पर्स के डायपर ट्राई करें। पैम्पर्स के डायपर्स बेबी की स्किन सेंसिटिविटी और कम्फर्ट को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। पैम्पर्स में आपको बहुत अच्छे साइजिंग ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेशली फॉर प्रीमेच्योर एंड न्यू बॉर्न बेबीज। एंड यहाँ पे आपको टेप स्टाइल और पैंट स्टाइल दोनों ही तरीके के डायपर्स मिलते हैं, सो यू कैन पिक एनी डिपेंडिंग ऑन द कम्फर्ट ऑफ योर बेबी। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं अपनी डॉटर के लिए न्यू पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स यूज कर रही हूँ, डे वन से यूज कर रही हूँ। अब वो 20 मंथ्स की है, अभी भी करती हूँ, बस साइजेस को अपग्रेड करती रहती हूँ। मुझे इस डायपर में कुछ ऐसे फीचर्स दिखते हैं जो टोटली अनमैचेबल है, जैसे इसकी 360 डिग्री कॉटनी सॉफ्टनेस ऑल अराउंड। आप कहीं से भी इस डायपर को टच करेंगे आपको ये सुपर सॉफ्ट फील होगा, मीन्स ये बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट है ऑन देयर स्किन। इस डायपर में 12 आवर लीक लॉक टेक्नोलॉजी है, स्पेशली फॉर दोज लॉन्ग स्लीप साइकिल्स। जब बेबी सोते हैं तो हम बेबी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ना, फॉर दोज साइकिल्स दिस डायपर इज जस्ट परफेक्ट बिकॉज देयर विल नेवर बी लीकेज इश्यूज। तीसरा, इसकी सुपर ब्रीदेबिलिटी। इसमें 10 मिलियन माइक्रोपोर्स हैं जो मॉइस्चर को ट्रैप नहीं होने देते। तो जब आप देखते हो कि वेटनेस इंडिकेटर लाइन येलो से ब्लू हो गई है एंड इट्स टाइम टू चेंज योर डायपर, और आप बेबी की स्किन को टच करते हो, आपको बेबी की स्किन हमेशा ड्राई मिलती है। बिकॉज मॉइस्चर ट्रैप नहीं होगा तो स्किन वेट नहीं होगी, स्किन वेट नहीं होगी तो रैशेस के चांसेस नहीं होंगे। एंड गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसको डिजाइन किया गया है विद एलोवेरा स्पेशली टू प्रिवेंट रैशेज ऑन बेबी स्किन। सो ओवरऑल मेरे लिए न्यू पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स एक ऑलराउंडर है, क्योंकि इससे ना रैशेज होते हैं ना लीकेज के इश्यूज आते हैं। सो फ्रॉम अ बेबीज पर्सपेक्टिव दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल डायपर। अब ये सॉर्ट हो गया कि हमें किस ब्रांड का और कौन सा डायपर लेना है, अब बात करते हैं कि मैं इसका साइज कैसे चूज करती हूँ। सो गाइस, पहला टिप है बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली डायपर लेना। अब होता क्या है कि डायपर के पैक पे एक वेट की रेंज लिखी होती है और उसी वजह से पेरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम दो डायपर के साइजेस लेते हैं, एक न्यूबॉर्न साइज है जो अप टू 5 kg है और दूसरा स्मॉल साइज है जो 4 to 8 kg है। अब मान लीजिए मेरे बेबी का वेट है 5 kg, तो मुझे कौन सा लेना चाहिए? पर्सनली स्पीकिंग मैं लूंगी 4 to 8 kg वाला, क्योंकि अगर मैं पहला लेती जो अप टू 5 kg हो, वो मेरे बेबी के लिए टाइट हो सकता है एंड बहुत ही जल्दी मेरा बेबी उसको आउटग्रो कर सकता है। तो आई विल प्रेफर द सेकेंड रेंज, जहाँ पे 4 to 8 kg के बीच में कहीं मेरे बेबी का वेट लाए करता है। सो दैट्स द फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप है कि आप हमेशा एक छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करो, ताकि आप थोड़ा सा ट्राइंग एंड टेस्टिंग करके देख सको कि क्या ये साइज मेरे बेबी के लिए परफेक्ट है या नहीं। कुछ बच्चों के टमी एंड लेग एरिया पे ज्यादा फैट होता है या फिर उनका लेग एरिया थोड़ा थिन होता है, तो कई बार अगर आप वेट के अकॉर्डिंगली सही डायपर ले भी लो ना, तो वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता। तो थोड़ी ट्राइंग एंड टेस्टिंग पेरेंट्स को करनी पड़ती है, तभी आपको समझ आता है कि राइट साइज क्या होगा। हम यहाँ पे कुछ टेस्ट्स रन करेंगे जिससे हम देखेंगे अब जो हमने डायपर लिया है क्या ये मेरे बेबी के लिए कंफर्टेबल एंड परफेक्ट फिट है या नहीं। तो सबसे पहले जब आप डायपर रिमूव करते हो तो जो बच्चे का टमी एरिया है और उसका लेग एरिया है वहाँ कोई रेडनेस नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि ये डायपर बहुत टाइट था। दूसरा, जो डायपर का टेप है या डायपर का वेस्ट बैंड है वो हमेशा बेली बटन से आपको नीचे लगाना है। अगर आप कंफर्टेबली लगा पा रहे हो मींस डायपर इज ओके। नेक्स्ट है टू फिंगर टेस्ट। सो बेसिकली हम अपनी टू फिंगर्स इंसर्ट करेंगे वेस्ट बैंड पे और लेग कफ पे, ये देखने के लिए कि दोनों जगह क्या मैं कंफर्टेबली अपनी फिंगर्स को इंसर्ट कर पा रही हूँ, विच मीन्स बेबी के लिए मूवमेंट करना विल बी ईजी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब डायपर टाइट है, और अगर आप बहुत ही इजीली कर पा रहे हो तो मतलब डायपर बहुत लूज है। सो ये टेस्ट आप जरूर कीजिए। यहां मैं एक और चीज हाईलाइट करूंगी, न्यू पैंपर्स प्रीमियम केयर पैंट्स में आपको डबल लेड सॉफ्ट बेल्ट मिलता है जो बहुत कंफर्टेबली बेबी के वेस्ट पे सेट हो जाता है।
नेक्स्ट, अगर आप एक टेप स्टाइल डायपर यूज कर रहे हो तो उसका टेप सेंटर पे जाके बंद होना चाहिए, सेंटर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए एंड ओवरलैप नहीं करना चाहिए. दूर है तो मतलब डायपर बहुत टाइट है, ओवरलैप कर रहा है तो मतलब डायपर बहुत लूज है, तो वो परफेक्टली जाके सेंटर पे टाई हो जाना चाहिए. एंड लास्ट तरीका देखने का है लीकेजेस. गाइस, अगर आपने डायपर पहनाया और लीकेज हो रही है, इसका मतलब डायपर आपके बेबी के लिए लूज है. एंड नाउ दैट वी हैव क्लैरिटी ऑन द फर्स्ट टू टिप्स, द थर्ड टिप विल बी अ जनरल टिप. आप बेबी को जब डायपर पहनाते हो तो उसका जनरल कम्फर्ट देखो. देखो क्या बेबी बहुत इरिटेबल फील कर रहा है डायपर में, क्या जब आप डायपर उतारते हो तो उसको ज़्यादा कम्फर्टेबल फील होता है, या फिर आपका बेबी हैप्पीली मूव अराउंड कर रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल है डायपर में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप डायपर पहनाते हो एंड यू आर नॉट सीइंग एनी इश्यूज, दैट मींस दैट डायपर एंड दैट डायपर साइज इज परफेक्ट फॉर योर बेबी. ऑल्सो कम्फर्ट की बात होती है, जैसे मेरे बेटे के केस में मैंने पैम्पर्स के टेप स्टाइल डायपर यूज़ किए थे, वो उसमें बहुत कम्फर्टेबल था. जब उसने प्ले स्कूल स्टार्ट किया तब हमने पैंट्स पे ग्रेजुएट कर दिया, बट मेरी डॉटर के केस में शुरू से ही शी इज़ बीन वेरी कम्फर्टेबल विद द न्यू पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स, तो मुझे कभी टेप स्टाइल एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. दैट्स इट गाइस, ये टिप्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी. अपने बेबी के लिए सही डिसीजन लीजिए बाय चूजिंग द न्यू पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स, बिकॉज ये डॉक्टर्स की भी नंबर वन चॉइस है. एंड एक रीसेंट सर्वे हुआ था विद द मॉम कम्युनिटी जहाँ पे इसको नंबर वन सॉफ्टेस्ट डायपर रेट किया गया. सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज इट दैट यू आर बाइंग फॉर योर बेबी. मैं न्यू पैम्पर्स प्रीमियम केयर पैंट्स के अपने पैक्स अमेजोन से मंगाती हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं. अदरवाइज ये कहीं पे भी आपके नियरेस्ट केमिस्ट पे या कोई रिटेल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा. एंड यू कैन स्टॉक इट अप एंड मेक श्योर दैट योर बेबी इज ऑलवेज कम्फर्टेबल. थैंक यू, बाय बाय.